व्यापहरण के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन व जयनारायण शुक्ला प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना बढ़लगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 640/2022 धारा 363 भादवी थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी की गई। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वैज्ञानिक तरीके से खेती कर बढ़ाएं उत्पादन, नीरज दुबे, गोला गोरखपुर। देश में औद्योगिक विकास, सड़क मकान निर्माण आदि से खेती योग्य भूमि घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। सबको भोजन की आवश्यकता है, यह तभी संभव है जब किसान भाई वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति प्रजाति के बीच संतुलित उर्वरक आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर खेती करेंगे, तभी देश और प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। उक्त जानकारी कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गोला तहसील क्षेत्र में विकास खंड उरवा के राजकीय कृषि बीज भंडार परिसर में आयोजित किसान गोष्ठी में मुख्य अतिथि भाजयुमो के जिलाध्यक्ष नीरज दुबे ने कही। गोष्ठी में पूर्व अपर जिला कृषि अधिकारी रामाधार यादव ने सरकार कृषि एवं किसान भाइयों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही है, किसान भाई उसका लाभ उठाएं। गोष्ठी को उद्यान निरीक्षक वीरेंद्र चौधरी, सहायक विकास अधिकारी वीटीएम रोशन लाल, नर्सिंग संजीव, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता आदि ने सब्जी खेती उद्यान विभाग की योजनाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक बच्चे की मां नाबालिग लड़के के साथ फरार, गगहा गोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र के अतार निवासी सन्नू ने गगहा पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मेरा नाबालिग पुत्र अंसार अली उम्र लगभग 16 वर्षीय कक्षा 9 का छात्र है। बढ़लगंज की एक शादीशुदा महिला मेरे बच्चे से फोन पर बात करती थी। 28 नवंबर की सुबह मेरा लड़का घर से निकला लेकिन घर नहीं लौटा। परिजन ढूंढते रहे, कहीं कोई पता नहीं चल सका। उक्त महिला ने गांव के ही एक युवक को फोन कर बताया कि अंसार अली मेरे साथ है, हम लोग मुंबई जा रहे हैं और कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। लड़के की मां सन्नू ने शादीशुदा महिला के खिलाफ थाने में तहरीर दिया है। आज महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एड्स कारण एवं बचाव पर परिचर्चा करते हुए डॉक्टर सनोज कुमार चौहान ने एड्स के कारण को रखते हुए इससे बचाव के उपाय बताएं, जिसमें संयमित जीवन ही इस रोग से बचाव है तथा इसे सभी अपने घरों एवं आसपास के समाज के बीच सही जानकारी देने की बात की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश ओझा ने आर्थिक आंकड़ों द्वारा छात्र छात्राओं को इससे अवगत कराया तथा इस कार्यक्रम को सप्ताह के रूप में मानने की बात की, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता होगी तथा छात्र छात्राओं के मानव श्रृंखला के द्वारा एड्स प्रतीक बनाकर समाज को संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी गोला, उपनिरीक्षक अजय कुमार व उपनिरीक्षक अनिश कुमार सिंह मैं टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 453/22 धारा 379/411 भादवी मुकदमा संख्या 440/22 धारा 457 380/411 भादवी मुकदमा संख्या 442/22 धारा 457 380/411 भादवी के अंतर्गत दर्ज है। विकास से वंचित खजनी सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में आज भी विकास कोसों दूर है। उक्त समस्या को लेकर सम्मानित जनता व व्यापारियों ने स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर वर्मा के घर पर एक बैठक आयोजित की। पीपी गंज बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक छात्र छात्राओं के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर महाविद्यालय से नगर पंचायत पीपी गंज मुख्य चौराहे होते हुए दुर्गा मंदिर के रास्ते से छात्र छात्राओं के द्वारा एड्स के विरुद्ध जागरूकता रैली निकाली गई।
सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेतउआ उर्फ चनऊ में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली कोटा चयन के लिए आज बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कोटा के लिए दो लोग सत्यम और गणेश मैदान में थे, जिसमें सत्यम को कुल 181 मत और गणेश को 38 मत ही मिला। थानाध्यक्ष पिपराई सूरज सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने किया पैदल गश्त, चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा का दिलाया एहसास। 1 दिसंबर पिपराई उपनगर में आज सायंकाल 5 बजे थानाध्यक्ष सूरज सिंह अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश यादव, अनूप कुमार तिवारी, आलोक कुमार सिंह, दिनेश कुमार साहनी, नागेंद्र मणि, मानवेंद्र मणि सहित लगभग 2 दर्जन फोर्स के साथ उपनगर पिपराइज में पैदल गश्त किया। भाजपा नेता के इशारे पर नहीं हो पा रहा हमारा काम। ददहा थाना क्षेत्र के अंतर्धन महिला ने ददहा थाने पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, परंतु उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बार बार थाने पर जाने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। एक भाजपा नेता के इशारे पे उसका काम और उसकी पैरवी को रुकवा दिया जा रहा है। काम नहीं हो रहा, क्या किसी का दबाव है? दबाव है तभी ना, यहाँ है महामंत्री, भाजपा के महामंत्री मंडल के अध्यक्ष हैं सबल सिंह, उन्हीं की हाथ है, इसलिए हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी हमारा बाहर से कागज आ रहा है उससे कागज थाने पर दबे आगे नहीं बढ़ रही है सर, दबा दे रहे हैं। प्रधान द्वारा जमीन पर अतिक्रमण करने से पीड़ित परेशान, लगाई बांसगांव SDM से गुहार। बांसगांव तहसील के मऊ खुर्द का मामला है, जहां प्रधान द्वारा एक पीड़ित परिवार की जमीन को कब्जा कर लिया गया है, जिससे पीड़ित परिवार ने उपजिलाधिकारी से गुहार लगाकर न्याय की मांग किया है। बताते चले थी मऊ का मामला है, मऊ खुर्द का मेरा 14 से पट्टा, हम पट्टे की जमीन की 6 से 2 डिसमिल 7 डिसमिल और रमेश तिवारी पुत्र मारकंडे तिवारी ये पूरा परिवार हमारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। मैं यहाँ से माननीय तब गए, लेटर आया, तब भी अतिक्रमण बासगांव के शासन प्रशासन कोई सुनाई नहीं। क्या कब्जा किया है आपकी जमीन? रमेश त्रिपाठी माकू के मारकंडे तिवारी इसमें प्रधान है। पेयजल की समस्या से जूझ रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यह बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नजारा है, जहां पर टंटिया में गंदगी का अंबार है, टंटिया में टाइल लग गई है। ऐसे में मरीज और डॉक्टर कैसे पेयजल पियेंगे? किसी भी टंटी में पानी नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, जिसके कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। व्यवस्था तो एकदम नहीं है, टंटी खाली है, उसमें सब टाइल लग गई है पानी। कल प्लम्बर ने एक्चुअली में काफी दिनों से वो पाइपलाइन जाम पड़ा था, उसको कल पाइपलाइन साफ कराया गया है, सारी टंकी साफ कराई गई है। इस समय जहाँ से सबमर्सिबल चलता है वहाँ की जो स्विच होती है चालू होने वाली, वो भी कोई चुरा ले गया तो उसका भी FIR कराया है, उसको नया मंगवा रहे हैं, तो उसको नया मंगवा। 6 महीने बाद हटा विद्युत पोल, बांसगांव तहसील मुख्यालय पर पिछले 6 महीना पहले विद्युत पोल 2 गिरा था, जो आज तक हट नहीं पाया। लोगों ने बार बार इस्तीमान अधिकारियों से किया। इस खबर को प्रमुखता से ऐप पे चलाया गया, जिसकी संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने पोल को हटवा दिया, लोगों को राहत मिली। इस संबंध में बताया जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही, चार अधिकारी आई हैं, यहाँ SDM हैं, तमाम अधिकारी हैं, और टाउन एरिया है, तहसील है, और 6-6 महीना लग रहा है, जो कि कहे जिला है, इस पर जो है जो लेट किया है उसको सख्त कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनको दंडित किया जाए कि यह पोल गिरने पर 6-6 महीना लग जा रहा है, इतनी घोर लापरवाही है, बताइए। हम तो चाहेंगे जो अधिकारी जे ही हैं सबको